शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। महालक्ष्मी का विसर्जन नहीं किया जाता है, बल्कि एक ही प्रतिमा की परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा अर्चना की जाती है। महाराष्ट्रीयन समाज का 2.5 दिवसीय महालक्ष्मी उत्सव मंगलवार से शुरू होगा। इस मौके पर हिंगनघाट शहर में महाराष्ट्रीयन परिवारों में ज्येष्ठा और कनिष्ठा के स्वरूप में महालक्ष्मी की स्थापना हुई है और पूजा अर्चना की गयी। इसी प्रकार बुधवार को महालक्ष्मी को आंबील के विशेष महाप्रसाद सहित और विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। गुरुवार को विदाई होगी। शहर में निवासरत महाराष्ट्रीयन परिवारों में इस उत्सव की तैयारियां पूरी हो गई है। महालक्ष्मी के आगमन के पूर्व घरों में आकर्षक झांकी सजाई जा रही है, साथ ही विद्युत साज सज्जा की गई है। परंपरा अनुसार 2.5 दिन के लिए महालक्ष्मी नामक दो बहनें अपने बच्चों के साथ मायके पहुँचती है। सप्तमी और अनुराधा नक्षत्र में उनकी स्थापना की जाती है। 2.5 दिन तक मायके में रहने के बाद नवमी के दिन महालक्ष्मी की विदाई होती है। इस दौरान सुख समृद्धि की कामना के साथ उनकी पूजा अर्चना की जाती है और घरों में उत्साह का वातावरण रहता है। महालक्ष्मी का आगमन अनुराधा नक्षत्र में होता है, जो मंगलवार को विद्यमान रहेगा, इसलिए मंगलवार को महालक्ष्मी का आगमन होगा। इसी तरह ज्येष्ठा नक्षत्र में भोग लगता है और मूल नक्षत्र में विदाई होती है। उत्सव का समापन गुरुवार को होगा। महालक्ष्मी की स्थापना अगले दिन विशेष प्रसाद आंबील का भोग लगाया जाता है। आंबील ज्वार के आटे और छाछ से तैयार की जाती है। यह विशेष प्रसाद माना जाता है। इसी प्रकार अलग अलग तरह की 16 प्रकार की सब्जियां, पूरन पोली आदि का भोग लगाते हैं। महालक्ष्मी की एक ही प्रतिमा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, जिसका विसर्जन नहीं किया जाता, बल्कि एक ही प्रतिमा के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा अर्चना की जाती है। इसके लिए प्रतिमाओं के मुखौटे अलग से रहते हैं। जब स्थापना की जाती है तो यह मुखौटे निकालते हैं और लोहे से बने पायली यानी ढांचे पर कपड़े से बने हाथ अथवा कपड़े से बना धड़ लगाते हैं। इसके बाद इस पर मुखौटे लगाते हैं और उन्हें साड़ी पहनाकर साज श्रृंगार किया जाता है। आमच्याकडे नारायणपुरीला 1983 पासून महालक्ष्मी बसत आहे। तिथे 5 वर्ष बसले आहेत। त्याच्यानंतर आम्ही हिंगणघाट मानलं, आता त्या तिथे सारख्या चालूच आहे। या वर्षीच्या कोरोनामुळे छोटासा कार्यक्रम करून झालो। 1983 पासून ह्या महालक्ष्मीला सुरुवात झाली। 5 वर्ष नारायणपुरी या ठिकाणी त्या मांडण्यात आल्या। त्यानंतर या घराचं पूर्ण काम झाल्यानंतर 1993 जवळपास या घरामध्ये महालक्ष्मी मांडण्याचं काम सुरू झालं आणि तेव्हापासून सतत हे महालक्ष्मी या ठिकाणी मांडण्यात येत आहे। कोरोनाचं म्हणजे काही नाही, हात धुणे आणि मास्क लावणे आणि घरी राहणे, त्याच्याशिवाय। इन बीजे न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि एनोरकर की रिपोर्ट।